go. New Delhi is a city with a population of 18 million people. Some of the streets and alleyways are hundreds, even thousands of years old. Delhi is a place where old traditions overlap modern ones, and ancient places stand in the shadows of what is new. Delhi is where elephants have walked and worked since the time of the Mughal emperors. Champa is one of only 18 elephants who still live and work in the city. Her companion is a young man known as a Mahout. He is Champa's driver and caretaker. My name is Akram Khan. और मैं हाथी का महावत हूँ। मुझे 14 साल हो गए महावत का हाथी के हाथी चलाते हुए। मेरे पापा भी यही काम करते हैं, तो उनका घर पे रहते हैं अब तो। और ग्रैंड दैन दादा भी यही काम करते थे, दादला ही काम है हमारा घर से। जैसे ये हाथी स्टेम चंपा जिसका नाम है, और हाथी के केयर के लिए अच्छा खिलाना रखने के लिए हमारे लिए इंतजाम कराए रख जाते हैं। हमारे लिए हम नौकरी करते हैं, इस पर सैलरी मिलती है हमारे लिए मालिक की तरफ से। इससे रहने की बात है, रहने के लिए यहीं हमारा पास में खुरेजी है, वहाँ पे घर है, तो वहाँ चले जाते हैं। सुबह को आ जाते हैं, रात को चले जाते हैं। सुबह सबसे पहले उठते हैं तो पहले हाथी के पास में जाते हैं, हम अपने हाथी को देखते हैं, उसके बाद में फिर अपना नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर इसे ले कर गन्ने खेत में जाते हैं, गन्ना ले आते हैं, फिर शुगर कैन बोलते हैं उसके लिए, इसे ले कर आएंगे, फिर इसे फिर जमुना में लेके जाते हैं पानी लाने के, पानी पिलाने के। जैसे कहीं पार्टी होती है उस पार्टी में जाते हैं। About 10 years. 10, 12 years. ये 36 का हाथी है, यानी 36 साल। और यहाँ पे दिल्ली में आए से आज 14-15 साल हो चुके, दिल्ली में आए 15 साल करीब हो गए दिल्ली में। और ये आदमी के बराबर ही जीता है, जैसे आपके लिए ऐसे खाद मिलती है खाने के लिए, 100 से 125 पार कर जाता है, 100 पार कर जाएगा। और ये बिहार से ख़रीदा हुआ था, ये आसाम, उसमें बिहार में मेला लगता है सोनपुर, जो हिंदुस्तान का माना हुआ मेला है, वहाँ से ख़रीद होती है हाथी की। He takes water in his tank and put the water in his bag. They take a bath, like they go in the water and they suck up the water from the lake and splash them with sand or water. They go in the water, they put their trunk in the water, and then they throw it up in the air. Well, the elephant does take a bath, and the way it takes a bath
is what they do. So they take a mop and they dip it in water full of soap and they wash the elephant in the same manner by scrubbing it. In the same manner, they dry the elephant. जैसे हाथी के लिए जब हाथी थक जाता है ज़्यादा चलते चलते थक जाता है तो पानी में इसकी थकन थोड़ी देर से छोड़ देते हैं पानी में नहाने के लिए तो ये पानी में उल्टा सीधा होके खेलता है कहीं बैठता है कभी लेटता है पानी के अंदर कभी अपने ऊपर पानी डालता है कभी कीचड़ डालता है डालने के बाद में फिर हम इसे पकड़ लेते हैं थोड़ी देर एक घंटे बाद दो घंटे बाद पकड़ लेते हैं पानी में से पकड़ने के बाद में फिर इसे निलाते हैं रगड़ना पड़ता है हाथी के लिए जब इसकी सुस्ती जब उतर उतरती है झामा आता है पत्थर की तरह भी होता है हल्का होता है पानी में तैर जाता है उससे फिर से रगड़ते हैं इसका मैल जो होता है उससे उतारते हैं इसका मैल उतारने के बाद में इसे नहला दिया तीन चार घंटे नहलाने में लगते हैं और जैसे गर्मियों में तो पानी के अंदर छोड़ देते हैं तो नहाते हैं पूरे दिन जमुना में छुपते रहते हैं लाने के बाद मैं बाहर लिया है अपने फिर इसके ऊपर इसके माथे पे तेल लगाते हैं लगाने के बाद में फिर इसके ऊपर इसके जो पाँव में खिंटरी चुभ जाती है वगैरह जो निकालने के बाद में फिर इसके ऊपर वहाँ भी एक गर्म करके तेल लगाते हैं जो दर्द नहीं होगा हमारे पापा ने ये काम करा था अब हम कर रहे हैं मगर हम अपने जो हमारे फैमिली बच्चे आए हैं अपने बच्चों के लिए इस काम में नहीं रखेंगे यूँ नहीं रखेंगे कि यानी आप जो है दुनिया जो है पढ़े लिखे की ज़्यादा समाज चल रहा है तो उन्हें बच्चों के लिए पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे उन्हें क्या तो जॉब मिल सकती है कहीं पे जॉब मिल जाए तो अच्छी उनकी कैर अच्छी हो जाएगी अच्छी सोसाइटी में हमने तो अपनी ज़िंदगी जैसे काट रहे हैं वैसे काट ही लेंगे वहाँ अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें इसमें हमारा अवसर नहीं आ सकता बच्चों के लिए नहीं मैरिज की बात अभी मैरिज हुई नहीं है उसके बाद हम अगली साल के लिए प्रोग्राम चल रहा है मैरिज के लिए हाथी के साथ साथ रहना घूमना फिरना अब हाथी का चलाने का हमारे शौक़ है एंजॉय भी है और मज़ा भी आता है हाथी पर बैठने का घूमने का सब जगह मिलती है अच्छी अच्छी जगह जाने को मिलता है हमारे लिए और घर वालों के लिए पैसा भी कमा के देता हूँ खर्चे के लिए अपना भी खर्चा करता हूँ Banana. Leaves. They eat fruits. And not all fruits, but and grass. And leaves. Ganne. Sugarcane, banana, many things. An elephant likes to eat people leaves and bananas. And other things which also are sweet and nice. ये पीपल जो खा रहा है मौसम के हिसाब से खिलाते हैं पीपल जैसे वैसे फेवरेट चीज़ है पीपल और शुगर कैन ये तो सबसे ज़्यादा दो चीज़ें ज़्यादा खाता है सबसे ज़्यादा
और जैसे गर्मी में मौसम के हिसाब से इनका खाना चेंज होता है। जैसे गर्मी पड़ती है ज़्यादा जून के महीने में, तो जमुना के अंदर कांस उगते हैं, तो वो कांस काट के खिलाते हैं इसके लिए। फिर जैसे खेतों के अंदर जई हो जाती है, ज्वार हो जाती है, वो लाते हैं, वो खिलाते हैं इसके लिए। यानी मौसम के हिसाब से खाना चेंज करते रहते हैं इसका, जो आने की तकलीफ़ इसके लिए हाथी के लिए नहीं हो, पेट ख़राब नहीं हो हाथी का। और जैसे इसके लिए रोटी बनाते हैं हाथी के लिए, 10 kg की रोटी बना के रोटी भी खिलाते हैं, बाजरा बनाते हैं। ठंड चल रही है इस टाइम, बाजरा पका के गुड़ और तिल का तेल मिला के गुड़ का बाजरा खिलाते हैं इसके लिए, जो यानी ठंड नहीं लगे हाथी के लिए। ये जो हाथी की जो पेंटिंग करते हैं हम, तो ये सजावट की वजह से करते हैं, जो डेकोरेशन अच्छी लगे हाथी के लिए। ग्राहक जैसा मांगता है वैसे ही करते हैं। एक तो जैसे हाथी पे फूल पत्ती वगैरह काटते हैं, या फिर इसके ऊपर मोर का पंख पत्ती बनाते हैं, मोर बनाते हैं इसके चेहरे पे, या फिर शेर का वो उसका बनाते हैं नक्शा। जैसे ये रंग जो है ये फ्लोरोसेंट के होते हैं, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता हाथी का, पानी डालो धुल जाता है। Like you go this way and then this way and then this way and then this way and this way. I once rode on an elephant, and I thought it was fun, but my bottom really hurt because it walked. An elephant ride is really bumpy, but it is really fun as the elephant goes slowly and you can see everything in one glance. जैसे हाथी को जब गैस्ट्रिन जैसे घुमाने को जाते हैं हम, तो सबसे पहले हाथी के लिए नीचे बिठाते हैं। बिठाने के बाद में उसे इसकी कमर सफा करते हैं, जैसे कोई कचड़ा या कोई कीम रोड़ी फोड़ी नहीं रहे, जो रोड़ी रहेगी तो जख्म हो जाएगा हाथी के। सफा करने के बाद में फिर गद्दा डालते हैं, गद्दे के ऊपर एक गद्दी होती है, उसके ऊपर एक सीट होती है, जो गेस्ट वगैरह या जैसे कोई बैठने घूमने के चाहता है तो वो बैठ जाए, तो हाथी को परेशानी ना हो, गुस्सा नहीं आवे हाथी के लिए। जो परेशानी होगी तो हमें ही परेशानी होगी साथ में, और गुस्सा आएगा हाथी के लिए। हाथी के लिए राजघाट लेके जाएंगे, वहाँ पे गेस्ट आएंगे फॉरनर, उन्हें के लिए घुमाना है। यानी जब हाथी के ऊपर जब बैठते हैं हम, तो यानी जब लेफ्ट मुड़ना होता है तो पाँव का इशारा देते हैं लेफ्ट मुड़ने के लिए, या राइट मुड़ना तो राइट के लिए मुड़ने के लिए, या सीधा जाना है तो सीधे ही पाँव का इशारा ही सीधे, यानी पाँव से चलता है हाथी। कोई इसमें वो नहीं है, गियर नहीं है, कोई इसमें वो हाथी रस्सी नहीं है जो उसको पकड़ा जाए। They eat a lot. They eat a lot. I think more than 20 kilos. I think elephant eats 350 kilos of food a day. Sugar cane 300 kg elephant one per day. 3-6 months मिलता है, जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, मार्च तक यानी सोर कैन खिलाते हैं। फिर इसके बाद में मार्च के बाद में
ज्वार हो जाती है खेतों में तो जई जई खिलाते हैं। जून के महीने में जई ज्वार हो जाती है वो खिलाते हैं। हर मौसम चेंज होने पर जैसे मौसम चेंज होता है कि हाथी के लिए खाना चेंज होता है। ये नहीं कि खाना एक तरह के हर महीने के अंदर हर मौसम की तरह एक तरह का खाना मिला, ये नहीं मिला। ये एक बंडल 15 kg का होता है जिसमें 20 बंडल बांधते हैं। ये बंडल बांधने के बाद में हमारे लिए मालूम पड़ जाता है कि 300 kg शुगर कैन हाथी के लिए हो गया, यानी वन बंडे के लिए चाहिए। I think that it is cool to see an elephant because it usually doesn't go on the road or street, so I think it's cool. Kind of cool. Excitement. When I see an elephant on the street, I just prefer it to move aside in case we're in a hurry, and otherwise I go look at it, just go pat it, enjoy its sight and everything else. Otherwise, if we're not in a hurry, we're very early, we decide to wait until it moves. In 2004, there were 40 registered elephants living and working in India's capital. As of 2012, only 18 were left, for better or worse. Within 10 years, elephants like Champa will disappear from the streets of New Delhi. It'll be boring. It'll be okay, but it's a little sad. There aren't any elephants. If there weren't any elephants, there wouldn't be any joyrides, we wouldn't sell them, we couldn't get money, or whatever. You couldn't carry our goods from one place to another on these elephants. It's very fun on elephants. Therefore, without elephants, many things can go wrong.